आज मैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल का सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। सेफ स्कोर एक तरह से कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम यहाँ पर दे दिया है सीजीएल का, तो सीजीएल का एग्जाम देने के बाद मैं यहाँ पर जो स्कोर बताऊंगा तो एक डाटा रहेगा कि इतना से इतना के बीच में, तो अगर आप उस बीच में आ रहे हो तो आप सेफ हो, मतलब 100% आप वहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई होइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो 135 से 40, ठीक है, 135 मार्क्स से लेके 140 मार्क्स के बीच में अगर आप ला रहे हो तो आप 100% यहाँ पर क्या होगे, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है, अगर आप इसके बीच में आ रहे हो। ठीक है, ये क्या है, देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्या बोलते हैं, सेफ स्कोर, मतलब ये एक तरह से कट ऑफ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ 2023 का, मैं बोल रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 135 से लेके 140 मार्क्स के बीच में ला रहे हो तो आप यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाइएगे, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी का तो ओबीसी का कितना होगा, 130 से 135 ओबीसी का अगर आप हो तो अगर आप 130 से लेके 135 के बीच में ला रहे हो मार्क्स के बीच में तो आप यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें अगर, तो 120 से लेके 125 के बीच में, ठीक है, 120 मार्क्स से लेके 125 मार्क्स के बीच में अगर आप ला रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा मेंस के लिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का तो 110 से 115, कितना, 110 से 115 मार्क्स के बीच में। यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी तो एसटी कैटेगरी कितना होगा, 105 से 109, कितना, 105 से 109 के बीच में, ठीक है। अब जिन बच्चों को भी मैंने यहाँ पर सेफ स्कोर बताया कि आप अगर इतना मार्क्स के बीच में ला रहे हो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, इतना ही आपका टायर वन का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि मतलब डिटरमाइंड कट ऑफ है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।